हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। मैं सिस्टर किरण मसीह फ्रॉम सहायक फेलोशिप चर्च इंडिया आज आप सबको का स्वागत करती हूँ फेसबुक ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में। हालेलुया, मैं खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि खुदावन ने आज फिर से मौका दिया कि प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के पेज पर आकर खुदावन के नाम को महिमा दे सकूं। तो सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल हमारे जिंदा खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम को देती हूँ। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप मेरे साथ ऐड हो चुके हैं तो प्लीज बताएं, पिक्चर क्लियर है, वॉइस क्लियर है, और जल्दी से आज की इस मीटिंग को शेयर कर दीजिए ताकि ढेर सारे लोगों तक आज का कलाम पहुंच सके। और जो लोग चिंता करते हैं कि उनके भविष्य के अंदर क्या होगा, खुदा ने किस तरह से उनके लिए कोई योजना तैयार की है, तो आज के वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करेंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आशीष ब्रदर जी, जय मसीह की, वंश छाबड़ा जी, प्रेज द लॉर्ड, हरिहर ब्रदर, जय मसीह की, हालेलुया। जितने भी मेरे साथ लोग ऐड हो चुके हैं प्लीज आज के मीटिंग के लिंक को शेयर कर दीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आप अपने मुखों को खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, हालेलुया। यदि आप सचमुच आनंदित हैं परमेश्वर में तो आज खुदावन को धन्यवाद और शुक्र अदा करें। आज अपने होंठों को खोलकर खुदा का धन्यवाद करें, दिल खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के इस समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए जिसमें खुदावन ने पूरा दिन हमें संभाल के रखा है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं और खुदावंत का धन्यवाद और शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया। आसमानी बाप, स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद और शुक्र अदा करते हैं पिता इस समय के लिए प्रभु जी, जब आपने खुदावन हम सबको प्रभु जी एक मन किया है पिता आज की मीटिंग के दौरान। मेरे परमेश्वर पिता, तो सचमुच खुदावन आज आपका पाक पवित्र आत्मा सबके साथ बातचीत करे। मेरे परमेश्वर पिता, खुदावन आप सचमुच खुदावन अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में मौजूद है प्रभु जी। आप खुदावन अपने लोगों के बीच में रहने वाले जिंदा खुदावंद हैं प्रभु। खुदावंद हम आपका धन्यवाद और शुक्र अदा करते हैं आज की मीटिंग के ऊपर। पाक पवित्र आत्मा आपके कब्जे को, आपके कंट्रोल को मांगते हैं मेरे परमेश्वर पिता। खुदावंद जितने भी लोग आज की मीटिंग को देखें सुने, तो खुदावंद आज उनका विश्वास और भरोसा खुदावंद आप में बढ़ जाए मेरे प्रभु जी, कि आप अपने लोगों के लिए एक सुंदर योजना को, एक सुंदर प्लानिंग को तैयार कर रहे हैं प्रभु जी। आज हर एक जन समझ पाए, जान सके मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र अदा करते हैं खुदावन। और आज का वचन, आज की बातें स्वर्ग से खुदावन जो आपने प्रभु जी दी है मेरे प्रभु, एक एक जन इसमें विश्वास कर पाए प्रभु। खुदावन हर एक की सोचों पर, विचारों पर, हर एक के हृदय पर, हर एक के शरीरों पर, खुदावन देह पर, आत्मा पर, प्राणों पर पवित्र आत्मा जी आपका कंट्रोल हो जाए, आप ही का कब्जा हो जाए मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन अगर आज देखने वालों में से कोई भी ऐसा जन है प्रभु जो पूरा दिन स्ट्रेस में रहा, पूरा दिन डिप्रेशन में रहा, पूरा दिन किसी सोच विचार में रहा, पूरा दिन खुदावन किसी कमजोरी में रहा, तो आज का वचन खुदावन उन्हें बल दे मेरे परमेश्वर पिता। आज का वचन खुदावन उन्हें मजबूती दे, और फिर से खुदावन मसीह में उन्हें एक आशा, एक होप मिल जाए प्रभु जी, कि आपकी दृष्टि आज भी, अब भी, इस समय पर भी उनके ऊपर बनी हुई है मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन आप अपने लोगों से बातचीत करने के लिए जा रहे हैं, ऐसा करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने अभी तक आज के वचन को, लिंक को शेयर नहीं किया है तो जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आज के वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा खुदावन सबों को आशीष दे, सबों को ब्लेस करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए आज के वचन की ओर हम बढ़ेंगे, और आज के वचन में किस प्रकार से
खुदावंद आप और मुझसे बात करने के लिए जा रहे हैं, तो अगर आप में से कोई भी जन शेयर कर सकता है आज के वचन को तो जरूर शेयर कीजिएगा, हिंदी ट्रांसलेशन में, इंग्लिश में, जैसे भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि जिनके पास बाइबल नहीं है, जिनके पास कलाम नहीं है, वो पढ़ सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जी। तो हमेशा ही ऐसा होता है कि हम किसी ना किसी चिंता में, किसी ना किसी तरह की चिंता में रहते हैं कि पता नहीं हमारे भविष्य में क्या होगा, हमारे आने वाले कल में क्या होगा, हमारे अगले साल में क्या होगा। तो जब भी हम अपने घर के अंदर कोई कार्य भी कर रहे होते हैं तो हमारा निरंतर जो ध्यान है जो वो फ्यूचर की ओर रहता है, वो भविष्य की ओर रहता है कि आने वाले समय में पता नहीं क्या होने वाला है। हालेलुया। लेकिन आज खुदावंद आप सबों से आज के वचन के द्वारा क्या कहना चाहते हैं कि खुदावंद ने आपके लिए एक सुंदर योजना को तैयार किया है। हालेलुया। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास रखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ही उद्धार करता है, मुक्तिदाता है, जीवित जिंदा खुदा है और एकमात्र परमेश्वर है, तो आपके जीवन, आपके भविष्य सुरक्षित है मसीह में। आमीन, हालेलुया। तो मैं आप सबों को कंग्रेचुलेट कहती हूँ, बधाई देती हूँ, आप सबों को मुबारक कहती हूँ, धन्य लोग कहती हूँ जिन्होंने यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने जीवनों को सींचा है, धोया है और शुद्ध वस्त्र पहन लिए हैं और पापों से मन फिरा लिया है। तो आप सभी का भविष्य मसीह में सुरक्षित है। ये कैसे पता चलता है? हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ जो इस पृथ्वी पर ही नहीं, स्वर्ग में ही, दोनों जगहों पर खुदावंद ने अपने लोगों के लिए अद्भुत आशीषों को रखा है। हालेलुया, अद्भुत स्थानों को रखा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे लिए एक अद्भुत योजना को तैयार किया है? हालेलुया। यदि आप ऐसे भाई हैं तो आप कह सकते हैं कि मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं कि खुदावंद ने मेरे लिए एक अद्भुत योजना को रखा है। हालेलुया। आप अंगीकार कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं, हालेलुया, कि मेरे लिए परमेश्वर ने एक अद्भुत योजना को तैयार किया है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे पहला वचन जो हम पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब उसका 14 नंबर अध्याय और इसकी 2 नंबर आयत में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे लिए हर एक चीज को तैयार कर रखा है। कैसे पता चलता है? 14 के 2 में इस प्रकार लिखा है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर खुदावंद यीशु मसीह खुद अपने लोगों से, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, जिन्होंने खुदावंद को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया है और परमेश्वर में अपने जीवन को आज व्यतीत कर रहे हैं, तो उनके लिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक जगह को तैयार कर रहा हूं। हालेलुया भाई आसिफ, आपके लिए एक जगह को परमेश्वर स्वर्ग में तैयार कर रहे हैं। हालेलुया भाई संजीव, आपके लिए परमेश्वर स्वर्ग में जगह को तैयार कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज खुदावंद हर एक अपने प्रिय बेटा बेटी जो पवित्र आत्मा से, परमेश्वर के अनुसार, खुदा के आत्मा के अनुसार चलने वाले उनके प्रिय बेटे बेटियां हैं, तो उन सबों के लिए स्वर्ग में एक स्थान तैयार हो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर हम बात करें यहूदी कल्चर की, इज़राइल के अंदर क्या होता है, जब भी एक लड़का और लड़की की मंगनी होती है, शादी होने वाली होती है, तो मंगनी के टाइम के ऊपर लड़का दुल्हन से क्या कहता है कि मैं अपने पिता के घर में जाता हूं और स्थान तैयार करता हूं, फिर मैं तुम्हें ले जाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसी तरह से जब एक दुल्हा अपनी दुल्हन को अपने पिता के घर में लेकर जाता है, हालेलुया, तो वो पहले जाकर अपने घर को सेट करता है। हालेलुया, जिस दिन एक लड़के की मंगनी हो जाती है तो अपनी दुल्हन के लिए क्या करता है, उस घर के अंदर, पिता के घर के अंदर उसके लिए स्थान तैयार करता है। हालेलुया, कि वो बहुत शीघ्र आकर शादी करेगा और अपनी दुल्हन को अपने पिता के घर में लेकर जाएगा। हालेलुया, उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जब हम सब की मंगनी, पौलुस कहते हैं कि मैंने तुम्हारी बात चलाई है, जब हमारी बात प्रभु यीशु मसीह के साथ चली है, जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ, हालेलुया, एंगेज्ड हो चुके हैं, प्रभु के साथ हमारी मंगनी हो चुकी है, तो
उसी तरह से जो हमारे दुल्हे प्रभु यीशु मसीह हैं, वो भी हमसे क्या कहते हैं कि मैं अपनी दुल्हन को लेकर जाऊंगा अपने पिता के घर के अंदर, क्या कर रहा हूं, मैं स्थान तैयार कर रहा हूं। हालेलुया। तो जितने भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, जितने भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाए हुए लोग हैं, जिन्होंने अपने पापों से मन फिरा दिया है, जिन्होंने अपने बुराइयों को छोड़ दिया है, हालेलुया, उन सबों के लिए पहले वो स्थान तैयार किया जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह से एक दुल्हा अपनी दुल्हन को लेने के आने से पहले अपने घर को पूरी तरह से वेल मेंटेन करता है कि जब मेरी दुल्हन आए तो उसे इस घर में किसी प्रकार की कोई कमी ना आए। हालेलुया, एक नया फर्नीचर बनना शुरू हो जाता है, नया पेंट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि दुल्हन ने आना है। हालेलुया, तो बहुत सारी चीजों को दुल्हा प्रिपेयर करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, आज इस वचन के द्वारा मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर का आत्मा स्वर्ग के अंदर आपके लिए पहले उन सारे चीजों को तैयार कर रहा है। हालेलुया, उन सारी चीजों को आपके लिए तैयार किया जा रहा है, मेरे लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह जब तैयारी हो जाएगी हमें लेकर जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये बात सिर्फ स्वर्ग की ही नहीं, अगर हम पृथ्वी पर बात करें तो परमेश्वर जितनी देर तक तैयारी ना करे इस धरती के ऊपर कि किस स्थान पर आपको जाना है, किस जगह के ऊपर आपको स्टे करना है, किस जगह के ऊपर आपको रहना है, उस जगह को आपको वहां पर भेजने से पहले वहां पर क्या क्या होना जरूरी है, तो खुदावन सबसे पहले उन चीजों को तैयार करेंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे पता चलता है, जब हम उत्पत्ति की किताब के अंदर पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने 6 दिनों के अंदर पहले पूरी सृष्टि को बनाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अनीता सिस्टर जी, मिनी सिस्टर जी, नितिन ब्रदर, हालेलुया, संजीव भाई, आप सबों को परमेश्वर ने जिस जगह पर, जिस स्थान पर, हालेलुया, लेकर जाना, इस पृथ्वी के ऊपर भी खुदा ने जहां पर आपको रखना है वहां पर परमेश्वर पहले आपकी जरूरतों को वहां पर पूरा करेगा। हालेलुया, वहां पर आपको उत्तम चीजों को आपके लिए रखा जाएगा, वहां पर पहले आपके लिए सारी चीजों को तैयार किया जाएगा, ताकि आप उस जगह पर जब पहुंचाए जाएं तो आपको किसी प्रकार की कोई कमी घटे ना आए। हालेलुया, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर खुदा अपने लोगों को भेजे और उससे पहले वो खुदा खुद वहां पर ना आए। हालेलुया, खुदा पहले इस धरती के ऊपर भी उन स्थानों को तैयार करते हैं जहां पर वो मुझे और आपको समय आने पर भेजते हैं। हालेलुया, तो बाइबल ऐसा बताती है कि उत्पत्ति की किताब में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने पहले इस सृष्टि के ऊपर आदम को नहीं बना दिया। हालेलुया, परमेश्वर ने पहले मनुष्य को नहीं रचा, परमेश्वर ने पहले मनुष्य को जो चीजें चाहिए थी, जो चीजें उसके लिए जरूरी थी, उन चीजों को बनाया। हालेलुया, पृथ्वी को पहले रचा गया, पृथ्वी की सृष्टि की गई। हालेलुया, और बाइबल ऐसा बताती है परमेश्वर ने धरती, आकाश, हालेलुया, परमेश्वर ने समुद्र बनाए, परमेश्वर ने फल वाले बीज बनाए, हालेलुया, वृक्ष बनाए, जो एक मनुष्य के लिए जो सारी चीजें जरूरी थी पहले वो 6 दिनों के अंदर रची गई, बनाई गई। हालेलुया, ताकि आदम जो पहले रचा जाता तो आदम को वो फैसिलिटीज कभी ना मिल पाती जो उसके लिए परमेश्वर ने पहले से तैयार की थी। हालेलुया, और बाइबल ऐसा बताती है परमेश्वर ने इन 6 दिनों के अंदर सूरज, चांद, तारे, दिन रात, पशु पक्षी और हर एक इस धरती की उस चीज को बनाया, और उसके बाद अपने अपने मनुष्य पहले आदम को बनाया गया। हालेलुया, क्यों बनाया गया पहले आदम को क्यों लास्ट में बनाया गया, ताकि परमेश्वर वहां पर सारी चीजों को पहले तैयार कर सके। हालेलुया, मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर के आत्मा के अनुसार हैं, यदि आप परमेश्वर के मन के अनुसार हैं, हालेलुया, तो खुदावन आपके लिए कुछ तैयार कर रहे हैं। आप अंगीकार कर सकते हैं, आप अपने मुख से बोल सकते हैं कि खुदावन मेरे लिए कुछ योजना तैयार कर रहे हैं, मेरे लिए कुछ तैयारी चल रही है। हालेलुया, आप कह सकते हैं मेरे लिए कोई योजना चल रही है, मेरे लिए परमेश्वर कुछ प्लान कर रहे हैं। हालेलुया, मेरे लिए कोई स्थान तैयार हो रहा है। हालेलुया, क्योंकि हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं कि
जितने भी परमेश्वर ने अपने लोगों को चुना उनमें से सभी साधारण लोग थे। हालेलुया। यदि आप ऐसा मानते हैं कि मैं एक साधारण लड़की हूं, मैं एक साधारण लड़का हूं, हालेलुया, तो मसीह हालेलुया हमेशा साधारण लोगों को ही चुनते हैं और उन्हीं से अपनी महिमा को लेते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह से आज के वचन के द्वारा आप अंगीकार करें, विश्वास करें कि आपके लिए जो फ्यूचर में कल जहां पर आपने जाना है, परसों जहां पर आपने जाना है, एक साल बाद जो आपके लिए तैयार किया जा रहा है, परमेश्वर वहां पर आपको लेकर ही जाएंगे। आपकी कॉलिंग में, आपकी बुलाहट में, आपके हर एक जगह पर, आपके शहर में, आपके देश में, आपके जिस जगह पर भी आप जाएंगे वहां पर पहले परमेश्वर पूरी तरह से आपके लिए सारी चीजों को तैयार करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप कह सकते हैं कि मेरे लिए एक योजना स्वर्ग में तैयार हो रही है। हालेलुया, आप नहीं जानते कि रातों रात परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर मिरेकल कर देने वाला खुदा है। हालेलुया, वो अगले पल अगली घड़ी के अंदर आपके जीवन को चेंज कर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, वो खुदावंद वो है जो एक समय पहले एक अर्थी पर एक विधवा के पुत्र को लेकर जाया जा रहा था, लेकिन उसके लिए अभी जीवन रखा गया था। हालेलुया, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी भी समय कोई भी कार्य कर सकते हैं। हालेलुया, वो खुदावन यीशु मसीह ने जब विधवा के पुत्र को देखा, हालेलुया, बाइबल ऐसा बताती है कि खुदावन यीशु मसीह ने इस विधवा के पुत्र को जीवित कर दिया। हालेलुया, यानी परमेश्वर ने उसके लिए अभी जीवन रखा था, खुदा ने उसके लिए अभी वो कुछ और साल रखे थे। हालेलुया, तो आपके जीवन का अभी एंड नहीं हुआ, आपकी स्टोरी अभी लिखी जा रही है। हालेलुया, आपके लिए योजना तैयार हो रही है, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है खुदावंद खुद पहले उन जगहों को तैयार करते हैं ताकि फिर वो आपको उस जगह के ऊपर लेकर जा सके। हालेलुया, बहुत सारी बहनें चिंता में रहती हैं कि हमने वीजा अप्लाई किया था लेकिन वीजा अभी तक आ नहीं रहा, हमारा कार्य नहीं हो रहा, हमने फीस पूरी पे कर रखी है, हमारे काम रुके हुए हैं। हालेलुया, तो विश्वास करें आज के वचन के द्वारा अगर कुछ रुका हुआ है तो कुछ तैयार भी हो रहा है। हालेलुया, परमेश्वर कुछ तैयार कर रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं ताकि जब आप उस जगह पर पहुंचाए जाएं तो आप वहां पर किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम को फेस ना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जरूर सिस्टर जी आपके लिए दुआ होगी। आज के वचन को ध्यान से सुनिए कि खुदा आपके लिए कुछ अद्भुत कर रहे हैं। हालेलुया, तो कितने लोग विश्वास करते हैं, जिस तरह से परमेश्वर ने आदम को सबसे एंड में छठे दिन में बनाया, सारी सृष्टि को रच देने के बाद, पूरी धरती को बना देने के बाद, हालेलुया, अदन की वाटिका के अंदर सारी फैसिलिटीज को दे देने के बाद परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि उसके बनाए हुए लोग जिस जगह पर रहे उन्हें किसी भी प्रकार की कोई कमी घटी को फेस करना पड़े, किसी भी प्रकार की किसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़े। हालेलुया, खुदावंद आपके खाने पीने से लेकर आपके पहनने तक, आपके आने जाने तक हर एक चीज को प्लान करने वाला परमेश्वर है। आज आप विश्वास कर सकते हैं। यस रितु सिस्टर जी, आज का वचन आपके लिए है। हालेलुया, यस प्रेज द लॉर्ड। आशा सिस्टर जी, आज का वचन आपके लिए है, खुदावंद आपके लिए कुछ तैयार कर रहे हैं। अनीता सिस्टर जी, हालेलुया, खुदावंद आज आपकी जिंदगियों के लिए कुछ अद्भुत कर रहे हैं। विश्वास करें आज खुदा के कलाम के ऊपर। हालेलुया, और बाइबल ऐसा बताती है, जब हमने उत्पत्ति की किताब में पढ़ ही लिया कि खुदा ने पहले सारी चीजों को बनाया, फिर मनुष्य को बनाया, ताकि वो सारी चीजों के अंदर, हालेलुया, उस अपने जीवन के अंदर अच्छे जीवन को जी सके। हालेलुया, और दूसरी बात हम पढ़ते हैं यूसुफ के लाइफ के अंदर से, जिसमें उत्पत्ति की किताब उसका 41 उसकी 38 नंबर आयत में क्या लिखा है। हालेलुया, नो डाउट जब तक वो जगह तैयार जो हो रही है उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। हालेलुया, बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ता है। जो खुदा ने हमारे लिए योजना तैयार की है उस योजना तक पहुंचने पर ढेर सारी परीक्षाएं आती हैं, ढेर सारी टेस्टिंग्स होती हैं, ढेर सारे जो है कार्य होते हैं, लेकिन अंत में परमेश्वर ने जो आपके लिए तैयार किया है खुदा वहां पर आपको खड़ा करेगा ही करेगा। आमीन, हालेलुया। और बाइबल ऐसा बताती है यूसुफ जो
अपने 11 भाइयों का एक इकलौता छोटा है ना, उससे छोटा बिन्यामीन भी था, लेकिन यूसुफ ऐसा व्यक्ति था जिसकी माता के गर्भ से ही परमेश्वर ने एक योजना को तैयार किया था, उसको सपनों के द्वारा बता दिया गया था। हालेलुया। और बाइबल ऐसा बताती है जब उसके भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया और वो मिस्र में पहुंचाया गया, तो बाइबल इस प्रकार बताती है कि मिस्र के अंदर उन सारी चीजों की प्लानिंग चल रही थी जिसके ऊपर उसे ठहराया जाना था। हालेलुया। जिस दिन उसने वो ड्रीम देखा, जिस दिन उसने ड्रीम देखा कि उसको दंडवत किया जा रहा है, हालेलुया, तो वहां पर मिस्र में क्या चल रही थी, कहें तैयारी चल रही थी। हालेलुया। कहें तैयारी चल रही थी, कहें कुछ तैयार हो रहा था, खुदा कुछ प्लान तैयार कर रहा था, खुदा कुछ योजना तैयार कर रहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसी तरह से यूसुफ जब मिस्र में पहुंचाया गया तो मिस्र के अंदर सारी चीजों की प्लानिंग हो चुकी थी। हालेलुया। उसके लिए योजना तैयार हो चुकी थी और वो एक भाइयों के द्वारा ठुकराया हुआ, भाइयों के द्वारा तुच्छ समझा गया। हालेलुया। यूसुफ मिस्र के अंदर क्या बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। यस नैना सिस्टर जी, तैयारी चल रही थी मिस्र के अंदर। हालेलुया। परमेश्वर जानते थे, खुदा ने उसके लिए ठहराया था कि जो राजा फिरौन होगा वो यूसुफ को अपनी रिंग उतार कर डाल देगा। हालेलुया। यूसुफ कभी नहीं जानता था जेल के अंदर उसके लिए क्या तैयार, बाहर क्या तैयारी चल रही है। हालेलुया। यदि आज आपको अपना जीवन एक ऐसा लग रहा है कि आप एक जेल का जीवन जी रहे हैं, आपकी लाइफ के अंदर कुछ हो नहीं रहा है, आप एक बंद घर के अंदर कार्य नहीं कर पा रहे हैं, खुदा के काम को नहीं कर पा रहे हैं, तो आप नहीं जानते कि खुदा की प्लानिंग आपके लिए क्या हो सकती है, खुदा की प्लानिंग मेरे लिए क्या हो सकती है। हालेलुया। और बाइबल ऐसा बताती है कि राजा फिरौन ने, हालेलुया, और उसके विषय में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम यहां पर पढ़ेंगे, 41:38। हालेलुया। 41:38 में क्या लिखा है, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है। हालेलुया। जिन लोगों के अंदर परमेश्वर का आत्मा है, जिन लोगों के अंदर पवित्र आत्मा है, जो लोग परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, हालेलुया, ढेर सारी परीक्षाएं हैं, ढेर सारी टेस्टिंग है, फिर भी खुदा के अनुसार चलते हैं, जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, उनके लिए कुछ अद्भुत तैयारी स्वर्ग के अंदर हो रही है। हालेलुया। आज आप विश्वास करें, शायद जेल के अंदर यूसुफ भी नहीं जानता था कि आज का रात उसका जेल के अंदर आखिरी रात है, यूसुफ भी नहीं जानता था कि परमेश्वर ने मिस्र के अंदर, हालेलुया, उसके लिए पहले से सारी तैयारी कर रखी है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके लिए मलमल के वस्त्रों को तैयार कर रखा था, परमेश्वर ने उसके लिए अंगूठी तैयार कर रखी थी, परमेश्वर ने उसके लिए रथ तैयार कर रखा था, परमेश्वर ने उसके लिए लोग तैयार कर रखे थे जो उसके अधीनगी में दिए जाएंगे। हालेलुया। और एक रात पहले भी यूसुफ नहीं जानता था कि उसका अगला दिन जो होगा वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। हालेलुया। तो मैं आपसे क्या कहना चाहती हूं कि खुदावन आपके लिए जब तैयारी करते हैं तो वो दिन जरूर तब आता है जब आपके लिए सारी योजना को परमेश्वर कंप्लीट कर लेता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यूसुफ एक रात पहले जो जेल में था, अगले दिन ही उसके हाथ में राजा की अंगूठी थी, उसको श्वेत मलमल के वस्त्र दिए गए, उसके लिए एक दूसरा रथ तैयार किया गया, उसको अधिकार दिया गया। एक रात पहले जो यूसुफ जेल के अंदर था, जिसे नहीं पता था कि परमेश्वर ने उसके लिए कौन सा स्थान रखा है, अगले ही दिन मिस्र की प्रजा जय जयकार कर रही थी यूसुफ की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर आपके लिए एक योजना को जब तैयार करता है तो खुदावंद वहां पर आपको तभी लेकर जाता है जब वो सारी चीजें पूरी हो जाती हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदावंद मीनू डांग सिस्टर जी, आपको जिस स्थान पर परमेश्वर लेकर जाएगा वहां पर खुदा पहले सब कुछ वेल सेटल करेगा। हालेलुया, आपके लिए सब कुछ पहले तैयारी हो जाएगी, प्लानिंग जो परमेश्वर की है। रितु सिस्टर जी, नितिन ब्रदर, आपके लिए जो प्लानिंग परमेश्वर की है, जब तक उस प्लानिंग को खुदा पूरा ना कर दे तब तक खुदा आपको उस जगह पर नहीं लेकर जाता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उस देश में तब तक नहीं लेकर जाता, खुदा उस कंट्री में कब तक नहीं लेकर जाता, जब तक वो सारी चीजें तैयार ना हो जाए। हालेलुया। हो सकता है आज आप थोड़े लोगों के बीच में है और आने वाले समय में परमेश्वर आपको एक भीड़ में खड़ा कर दे, आप नहीं जानते, मैं नहीं जानती, लेकिन खुदा के प्लान्स हमारे प्लान्स से बिल्कुल डिफरेंट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब परमेश्वर ने देखा कि मिस्र के अंदर अब यूसुफ के लिए सारी चीजें तैयार हो चुकी हैं, तो वो उसकी जेल के अंदर आखिरी रात थी।
हालेलुया। लेकिन यहां पर खुदा किन लोगों की जिंदगी के अंदर काम करते हैं, कहें जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, हालेलुया, कहें जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, जो पवित्र आत्मा से अपने आप को भरते हैं, जो पवित्र आत्मा की सहभागिता से चलते हैं, जो पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग के साथ चलते हैं, जो परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, उनके लिए परमेश्वर की प्लानिंग्स योजनाएं पूरी होती हैं। और जब सब कुछ प्लान हो जाता है, खुदा उस योजना को पूरा करने में विश्वास योग्य खुदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बात और हम गिनती की किताब में पढ़ते हैं, उसका गिनती का 13:27, हालेलुया, गिनती के 13:27 में इस प्रकार लिखा है कि जब परमेश्वर इसराइलियों को, हालेलुया, जब परमेश्वर इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकाल कर लेकर जा रहे थे, तो परमेश्वर ने कुछ मूसा ने कुछ भेदियों को क्या भेजा कि जाओ कनान देश के अंदर पता करके आओ कि वहां पर क्या क्या है, हालेलुया। और बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर ने कनान देश को, हालेलुया, इसराइल देश को बहुत आशीष दी थी, उसके बाद खुदावंद अपने लोगों को उस देश में लेकर गए, हालेलुया। और ये भी हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग उस गुलामी में से निकले थे, लेकिन उस जनरेशन में से जो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलने वाले जो यहोशू और कालिब थे, वो दो लोग ही उस कनान के अंदर पहुंच पाए और न्यू जनरेशन पहुंच पाई जिन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा था, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल ऐसा बताती है, जब कनान देश के अंदर मूसा ने भेजा कालिब और यहोशू और बहुत सारे लोगों को, तो वहां पर उन्होंने क्या देखा कि यहां तो दूध की नदियां बहती हैं, हालेलुया, यहां तो धाराएं हैं, यहां पर तो अच्छा शहद है, यहां पर तो अच्छे अनार है, यहां पर तो अच्छे अंजीर मिलते हैं, हालेलुया। तो उन्होंने उन सारी वस्तुओं को पहले देखा, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने अपने लोगों को इज़राइल के अंदर एंटर करने से पहले इज़राइल के अंदर सारी चीजों को तैयार किया, प्रेज द लॉर्ड, इज़राइल के अंदर सारी चीजों को प्रिपेयर किया गया कि जब खुदा के लोग इज़राइल के अंदर एंटर करें तो वो इस आशीषित भूमि की सारी आशीषों के वारिस बन सके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल ऐसा बताती है, वो वहां से एक दाख का गुच्छा लाठी से लटकाकर लेकर आए और मूसा से आकर कहते हैं कि वो देश तो बहुत सुंदर है, हालेलुया, वहां पर तो दूध है, वहां पर शहद है। और सचमुच जब हम इज़राइल गए तो इज़राइल के अंदर हमने देखा कि दूध की एक बड़ी फैक्ट्री वहां पर है, हालेलुया, शहद वहां पर टपकता रहता है, खजूरों के अंदर से शहद टपकता है, बड़े से बड़े अनार वहां पर है, हालेलुया, वहां पर हमने सब कुछ देखा जो बाइबल के अंदर लिखा गया है कि वहां पर बड़ी से बड़ी अंजीरें मिलती हैं और अच्छे से अच्छे ओलिव जैतून अच्छा मिलता है। परमेश्वर ने वहां की सारी चीजों को जब तैयार किया तो इज़राइल अपनी कौम को उसके बाद उस धरती को दिया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वहां पर जा कौन पाए जिन्होंने कहा कि अगर यहोवा चाहे तो हमें उस देश में लेकर जा सकता है, बाकी सभी कहते वहां तो बड़े लोग हैं, वहां तो इतने बलवंत लोग हैं, हम तो मर जाएंगे, हालेलुया, जितनों ने अविश्वास दिखाया वो खुदा की उस प्लानिंग के अंदर एंटर नहीं कर पाए, हालेलुया। यदि आप चाहते हैं, मैं चाहती हूं कि हम खुदा की प्लानिंग के अंदर एंटर कर पाए, जो खुदा की योजना है, तो हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, खुदावंद मेरे लिए कुछ तैयार कर रहे हैं, हालेलुया। आप रिसीव करें आज के वर्ड ऑफ गॉड को, खुदावंद आपके लिए, हालेलुया, बैक स्टोरी के अंदर कुछ चल रहा है, आप फ्रंट देख रहे हैं, आप बाहरी देख रहे हैं, आप खुली आंखों से देख रहे हैं, लेकिन आपके लिए एक स्टोरी तैयार हो रही है, आपके लिए एक योजना तैयार हो रही है, आपकी एक कहानी तैयार हो रही है, हालेलुया, आप एक सुसमाचार बन रहे हैं, हालेलुया, आप परमेश्वर की एक ऐसी संतान बन रहे हैं जो अपनी अपनी बायोग्राफी लिख सकते हैं कि खुदा ने कहां से हमें उठाया और कहां तक हमें पहुंचा दिया, आपकी स्टोरी लिखी जा रही है इस समय, हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हैं, यदि आप इन बातों पर विश्वास करते हैं, कलाम पर विश्वास करते हैं, तो खुदावन आपके लिए जब सब कुछ तैयार कर देंगे तो आपको यूसुफ की तरह वो मिस्र के ऊपर ठहरा देंगे, आदम की तरह उस अदर की वाटिका में रख देंगे, हालेलुया, और इजरायली यहोशू और कालेब की जनरेशन की तरह इसराइल के अंदर आपको ले जाएंगे, जब वहां पर सारी चीजें तैयार हो जाएंगी जो आपके लिए और मेरे लिए आवश्यक है, जरूरी है, ब्लेसिंग्स है, आशीषें हैं, आमेन, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि खुदावंद कुछ तैयार कर रहे हैं मेरे लिए,
हालेलुया। और यदि आप परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति हैं, यदि आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाले हैं, तो आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। भले ही आज आप उस विजन को नहीं देख पा रहे, भले ही अपने अपने दर्शनों को पूरा होते हुए नहीं देख पा रहे, भले ही आपको जो ड्रीम्स आए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए, भले ही आपके लिए प्रोफेसी हुई थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई, भले ही आपके लिए आपको आपको वचनों के द्वारा खुदा ने कुछ प्रोमिसेस किए तो वो पूरे नहीं हुए, तो आज के कलाम के द्वारा पवित्र आत्मा आपसे क्या कहना चाह रहे हैं कि आपके लिए कुछ तैयार हो रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलने में हमेशा चौकसी करें, खुदा के आत्मा के अनुसार चलते चले जाएं। टेस्टिंग्स होंगी, परीक्षाएं होंगी, बहुत सारी चीजों को फेस करना होगा, बहुत सारी चीजों को छोड़ना होगा, कुछ कठोर निर्णय को लेना होगा, लेकिन खुदावंद अपनी योजना, अपनी प्लानिंग जो आपके लिए तैयार की गई है, मेरे लिए तैयार की गई है, वहां पर हमें एक दिन जरूर खड़ा करेगा। कहें आमीन, कहें आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इतना ही नहीं, जब हम एस्तर के बारे में पढ़ते हैं तो बाइबल ऐसा बताती है कि राजा शरयश के टाइम के ऊपर एस्तर जो एक एक बहुत ही साधारण सी लड़की थी, हालेलुया, उसे भी नहीं पता था कि एक दिन वो पटरानी बन जाएगी, एक दिन वो रानी बन जाएगी। और बाइबल ऐसा बताती है रानी वश्ती का एक डिसीजन जो था, हालेलुया, कि वो मुकुट धारण करके, मुकुट पहनकर राजा के इनवाइट करने पर वहां पर नहीं गई, तो राजा ने उसी दिन क्या कर दिया, हालेलुया, उसी दिन उसको त्याग दिया। और बाइबल ऐसा बताती है परमेश्वर एस्तर के लिए एक प्लानिंग को तैयार किए हुए था, खुदावन, हालेलुया, जो मोर्दके की कजन थी उसके लिए एक योजना तैयार थी। एस्तर भी नहीं जानती थी कि आने वाले समय में वो उस जगह के ऊपर रानी बन जाएगी, हालेलुया। राजा ना तो उसके गोत्र को जानता था, राजा को कुछ नहीं पता था वो किस कुल से है, राजा को कुछ नहीं पता था वो किस जाति से है, लेकिन राजा को वो सारी स्त्रियों में से वही सुंदर लगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने एस्तर के लिए एक योजना को तैयार कर दिया था। और जब परमेश्वर ने देखा कि उस शूशनगढ़ के अंदर सारी चीजें प्रिपेयर हो चुकी हैं, सारी चीजें तैयार हो चुकी हैं, हालेलुया, तो वहां पर परमेश्वर ने एस्तर को जाकर सीधा सिंहासन पर बिठा दिया। एक साधारण लड़की क्या बन गई? रानी बन गई, हालेलुया, राजा शरयश की पत्नी बन गई, और पूरी यहूदी कौम को बचाने वाली, हालेलुया, एक स्त्री, हालेलुया, जिसके लिए परमेश्वर ने एक योजना को तैयार किया था, और खुदा ने एक सही समय के ऊपर उसे उस जगह के ऊपर पटरानी बना दिया। एक ही समय के ऊपर खुदा ने उसे उसे वश्ती की जगह दे दी, जहां पर खुदा ने उसके लिए एक योजना को तैयार किया था, हालेलुया, उसके लिए एक एज ठहराया गया था, उसके लिए कुछ समय ठहराया गया था, कोई दिन ठहराया गया था, कोई कार्य हो रहा था, कोई प्लानिंग हो रही थी, कोई योजना बन रही थी, हालेलुया। उसी तरह से मेरे प्रियो, हमारा खुदावन पक्षपाती नहीं है, जो खुदा के मन के अनुसार लोग हैं, जो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग हैं, जो खुदा के अनुसार कार्य करने वाले लोग हैं, उनके लिए परमेश्वर ने कुछ विशेष स्थानों को आज भी रखा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे तो पूरा भरोसा है, मुझे पूरा विश्वास है कि खुदावंद अपने प्रेम करने वालों के लिए इस धरती के ऊपर भी एक विशेष योजना को रखते हैं, हालेलुया। खुदा का प्रॉमिस सिर्फ स्वर्ग के स्थान का नहीं है, खुदा इस पृथ्वी के ऊपर भी यूसुफ की तरह, एस्तर की तरह, आदम जब आदम की वाटिका के अंदर था उस जगह की तरह सारी चीजों को पहले तैयार करते और उसके बाद अपने लोगों को वहां पर खड़ा कर देते हैं, प्रेज द लॉर्ड। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने कुछ बातों को हमने बाइबल में से पढ़ा है, लेकिन बाइबल के अंदर हर एक व्यक्ति जो खुदा की ओर से चुना गया है वो एक साधारण व्यक्ति ही था, हालेलुया, लेकिन वो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार जो चलते थे, खुदा ने उन्हीं के लिए उन स्थानों के ऊपर उन्हें खड़ा कर दिया, लेकिन एक सही टाइमिंग के ऊपर, एक सारी चीजों की पूर्ति होने पर, हालेलुया। परमेश्वर के अनुसार दिन ठहराए गए हैं, परमेश्वर के अनुसार कार्य ठहराए गए हैं, परमेश्वर के अनुसार योजनाएं तैयार की गई हैं, हालेलुया, लेकिन खुदा उन सारी योजनाओं को एक सही समय पर, एक ठीक टाइम के ऊपर पूरा करने में विश्वास योग्य खुदा है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो यहोशू और कालिब सा विश्वास और ईमान रखते हैं, जो डरते नहीं है, जो खौफ नहीं खाते हैं, जो खुदा के कामों को करने के लिए किसी मनुष्य का भय नहीं रखते हैं, जो किसी भी प्रकार का, हालेलुया, इस धरती के ऊपर यीशु मसीह के नाम का इनकार नहीं करते हैं, प्रभु के लिए, हालेलुया, जीना और मरना चुन
चुन लेते हैं, यीशु मसीह के क्रूस को उठाते हैं, हल के ऊपर हाथ रख के पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। हालेलुया, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर भी ऐसे स्थानों को तैयार कर दिया है जो आने वाले समयों में आप देखेंगे अपनी जिंदगियों के अंदर। यदि आपका विश्वास, मेरा विश्वास इसी तरह से हमारे खुदा के ऊपर रहेगा कि हमारा खुदा ही जिंदा खुदा है, हमारा परमेश्वर ही अद्भुत प्लानर है, हमारा खुदा ही प्रिंस ऑफ पीस है, हमारा खुदा ही वो कार्य कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता, हमारा खुदा पहले पूरे एनवायरमेंट को तैयार करके फिर ही हमें लेकर जाएगा कि हमें किसी भी विपत्ति को फेस ना करना पड़े जो हमारे से बाहर हो। हालेलुया, खुदा चाहता था कि आदम को जब भूख लगे तो वो भूखा ना रह जाए, उसके उसको ये ना हो कि वो क्या खाए। खुदा ने पहले उसके लिए अच्छे वृक्षों को लगाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, खुदा ने उन सारी चीजों को तैयार किया जो आदम के लिए जरूरी था। हालेलुया, यूसुफ के लिए तैयार किया गया, परमेश्वर का एक प्लान था। एस्तर के लिए खुदा का एक प्लान था। हालेलुया, रूत के लिए परमेश्वर का एक प्लान था। जो एक मुआबी स्त्री थी, खुदा ने उसके लिए कितना बड़ा प्लान रखा, क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलने वाली औरत थी और उसने क्या किया, उसने परमेश्वर यहोवा को ही अपना खुदा कहा। हालेलुया, और जो कोई, हम सब अन्य जातियों में से आए हैं, हम सब अलग अलग जाति से आए हैं, अलग अलग कुल से आए हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। हालेलुया, तो उसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह अगर रूत के लिए इतने विश्वास योग्य योग्य खुदा है, हालेलुया, कि खुदा ने उस कार्य को उनके लिए किया जिसको वो कभी सोच भी नहीं सकती थी जब वो मुआब के अंदर पैदा हुई। हालेलुया, आप किस कंट्री में पैदा हुए हैं, किस गांव में पैदा हुए हैं, आप एक स्लम एरिया में पैदा हुए हैं, आप एक ऐसे घर में पैदा हुए हैं जहां पर आपको लगता है कि आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया, तो ये आज अपनी सोचों से निकालकर बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि खुदा की प्लानिंग्स पूरी होने से इस पृथ्वी की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। हालेलुया, खुदावंद आपको हालेलुया इस धरती के ऊपर हर एक उस जगह पर लेकर जाएंगे जो खुदा की ओर से आपके लिए और मेरे लिए तैयार की गई है, और उस जगह से जाने के लिए आपको किसी बड़ी जाति में पैदा होने की जरूरत नहीं है। आपको बचपन से मसीह में पैदा नहीं हुए तो कोई बात नहीं है। हालेलुया, एक मुआबन को भी परमेश्वर ने हालेलुया क्या कर दिया, दाऊद के वंश में उसको कर दिया। हालेलुया, उसका नाम वंशावली के अंदर लिखा गया। हालेलुया, तो खुदावंद ने एक मुआबन स्त्री के लिए क्या किया, एक अद्भुत योजना को तैयार किया। हालेलुया, और उसके पीछे का कारण सिर्फ यही था कि उसने यहोवा परमेश्वर को अपना परमेश्वर कहा। हालेलुया, यदि आप किसी परिस्थिति के आगे झुकते नहीं है, यदि आप सिर्फ परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते हैं, यहोवा को अपना खुदा कहते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं और आप खुदा के लिए जीने वाले हैं और परमेश्वर के आत्मा के अनुसार कार्य करने में लगे रहते हैं, हालेलुया, तो आपके लिए भी परमेश्वर ने एक सुंदर योजना को तैयार किया है और खुदा सही समय पर आपको वहां पहुंचाएंगे। आमीन, जिनको विश्वास है कहें आमीन, जो भरोसा करते हैं कहें आमीन, जो ये विश्वास करते हैं कि खुदा पक्षपाती नहीं है कहें आमीन, जो विश्वास करते हैं हमारा खुदावंद कुछ भी कर देने की सामर्थ्य रखते हैं कहें आमीन, जो विश्वास करते हैं कि आपके लिए एक योजना तैयार हो रही है कहें आमीन, जो विश्वास करते हैं कि मेरी कमजोरियों में से भी खुदा मुझे खड़ा कर देगा हालेलुया कहें आमीन। आप अगर ऐसे घर में है कि आपकी जरूरतें जो है वो पूरी नहीं होती है और आपको ऐसा लगता है कि इस काम में तो बहुत अमाउंट लगने वाला है, लेकिन आपको परमेश्वर के उस महिमा के धन के ऊपर भरोसा है, तो कहें आमीन हालेलुया कि मेरे लिए मेरा परमेश्वर सब कुछ पूरा करने वाला है। आमीन हालेलुया हालेलुया। और बाइबल ऐसा बताती है, खुदावन जब तक सारी चीजों को सेटल ना कर दे, सारी चीजों को खुदावन जब तक तैयार ना कर दे, तब तक वो अपने लोगों को उस जगह पर नहीं लेकर जाते, क्योंकि खुदा नहीं चाहते कि हमें किसी भी विपत्ति का सामना करना पड़े। खुदा हमें अच्छे जीवन को देने के लिए खुदा ने हमें चुना है। आमीन हालेलुया। अगर हमारा सताव है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम मसीह में हैं, वो सताव डिफरेंट है, लेकिन इस धरती की कोई भी उत्तम वस्तु ऐसी नहीं है जिसके वारिस हम नहीं है, सारी वस्तुओं के वारिस मसीह लोगों को परमेश्वर ने बनाया है। आमीन हालेलुया। मीनू डांग सिसु जी कहते हैं मैं विश्वास करती हूँ, अनिल ब्रदर कहते हैं मैं विश्वास करता हूँ, हालेलुया। आप में से जितने भी लोग विश्वास करते हैं कि खुदावन ने जिस तरह से एस्तर की लाइफ के अंदर काम किया, कालिब और यहोशू की लाइफ के अंदर काम किया, आदम को जिस जगह पर ठहराया वहां पर खुदा ने सब कुछ प्रिपेयर किया, यूसुफ के लिए खुदा ने प्रिपेयर किया, रूत एक मुआबन के लिए खुदा ने कुछ बातों को प्रिपेयर किया, हालेलुया,
हालेलुया, प्लानिंग्स को बनाया हालेलुया। तो आज आप विश्वास करें कि आप भी उनमें से एक है, मैं भी उनमें से एक हूं जिनके लिए खुदा ने एक योजना को तैयार किया है, और आज भी एक तैयारी चल रही है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे, लेकिन हम कलाम के द्वारा खुदा पे भरोसा रखते हैं। आमीन, कि खुदा कुछ कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। तो एक बार फिर से अंगीकार करें कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ तैयार कर रहे हैं, मेरे लिए कोई योजना पूरी हो रही है, मेरे लिए परमेश्वर की प्लानिंग तैयार हो रही है, हालेलुया। लेकिन इस प्लानिंग के अंदर एंटर कौन कर पाएगा? बलविंदर सिस्टर जी, इस प्लानिंग के अंदर जो खुदा की प्लानिंग है उसमें एंटर कौन कर पाएगा? रतन सिस्टर जी, कौन एंटर कर पाएगा? हालेलुया, बताइए। अगर आपने ध्यान से आज के वर्ड ऑफ गॉड को सुना है हालेलुया, तो आप आज समझ जाएंगे कि कौन उस प्लानिंग के अंदर एंटर कर पाएगा जो परमेश्वर ने तैयार की है। सिर्फ और सिर्फ वही जो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलने वाले हैं, जो परमेश्वर के मन के अनुसार है, जिन्होंने मौका मिलने पर भी पाप नहीं किया है, जिन्होंने परमेश्वर यहोवा को ही अपना खुदा कहा, यीशु मसीह को ही अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, और जो कहीं पर किसी सिचुएशन के आगे झुकते नहीं है हालेलुया, उन लोगों के लिए परमेश्वर ने इस योजना को तैयार किया है जो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार है। हालेलुया, यस, ग्रेट थिंग्स आर इन स्टोर, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कुछ ग्रेट थिंग्स को करने वाला है, हालेलुया। और मैं पूरा विश्वास करती हूं कि आप और मैं उस योजना के अंदर इसी साल परमेश्वर हमारे लिए एक अगले स्टेप में हम एक एंटर करने वाले हैं। विश्वास करें यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन, हालेलुया, यस। जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, नैना सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबके लिए दुआ होगी, सब बीमारों के लिए प्रार्थना होगी, अंत तक बने रहिएगा, हालेलुया। और विश्वास में रहे कि खुदावंद ने, जब तक सारी चीजों को खुदा पूरा ना करे तब तक वो खुदावंद हमें उस योजना के अंदर नहीं लेकर जाएंगे। हमारी एंट्री उस दिन होगी उस जगह पर जहां पर सारी चीजों को प्रिपेयर किया जाएगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आखिरी दुआ में चलेंगे, और आज सबके लिए प्रार्थना होगी, सभी विश्वास के साथ ग्रहण कीजिएगा। यदि आप किसी भी प्रकार की उलझन में है, कंफ्यूजन में है, या किसी भी प्रकार के स्ट्रेस में है, किसी भी प्रकार की एंजाइटी में चल रहे हैं, किसी भी प्रकार की बीमारी में चल रहे हैं, तो आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, और आज खुदावंद आपको हील करे, चंगियाई दे, और आज आप पूरी तरह से स्ट्रेस फ्री हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। आइए हम प्रार्थना में सर को झुकाएंगे और पवित्र आत्मा से हालेलुया निवेदन करेंगे कि आज एक एक जन को छुए और हर एक जन आशीषित हो, हालेलुया। आसमानी बाप, स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपका धन्यवाद और शुक्र अदा करते हैं प्रभु जी। खुदावंद, आज आपने देखने और सुनने वाले हर एक जन से बातचीत किया है मेरे प्रभु, आप अपनी योजना को अपने समय पर पूरा करते हैं पिता, और आप प्रभु जी हमारे प्रभु जी उस जगह पर पहुंचाए जाने से पहले वहां पर सारी चीजों को पूरा करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद और शुक्र अदा करते हैं प्रभु, और विश्वास करते हैं देखने और सुनने वाले हर एक जन के लिए प्रभु जी आप की प्लानिंग तैयार हो रही है प्रभु। होने दीजिए प्रभु, आपकी प्लानिंग के अंदर खुदा आपके लोग एंटर कर सके। पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु जी, विश्वास से भर दीजिए प्रभु। आज हर एक प्रकार का अविश्वास खुदावंद तेरे लोगों को लीव करे खुदावंद, हर एक शक छोड़कर चला जाए खुदावंद। आज तेरे लोग विश्वास कर सके प्रभु जी कि आपकी प्लानिंग्स, आपकी योजनाएं, आपकी युक्तियां आपके आत्मा के अनुसार चलने वाले लोगों के लिए भली है मेरे परमेश्वर पिता। खुदावंद आप अच्छी योजना को बना रहे हैं प्रभु जी। खुदावंद आज हर एक को ब्लेस करें, हर एक को आशीषित करें प्रभु। जितने भी लोग खुदा आत्मिक रीति से कमजोर है मेरे प्रभु जी, आज से ही खुदावंद खुदा वचन के माध्यम से उनसे बातचीत करें मेरे प्रभु। हर एक का मन प्रार्थना में, आराधना में प्रभु जी वचन में लगने पाए मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन तेरे लोग अंधकार की शक्तियों से आज छुड़ाए जाएं खुदा। तेरा आत्मा जुम्बश करे प्रभु जी, तेरा आत्मा एक एक जन को छुए प्रभु जी, एक एक जन आज चंगियाई पाए, हीलिंग पाए मेरे खुदावन प्रभु जी। हर एक प्रकार का मन का बोझ पाकरू इसी समय इनकी जिंदगियों को छोड़कर चला जाए। अपने लोगों को स्पर्श करें, अपने लोगों को छुएं, आजादी दे मेरे प्रभु जी। सारे बंधन टूटें प्रभु, इसी समय सारे जकड़े हुए आजाद हो जाएं प्रभु जी। तेरे लोगों की बीमारियां तेरे लोगों को छोड़कर चली जाएं खुदावन। तेरे लोग फिर से मेरे परमेश्वर पिता जय जयकार के साथ प्रभु जी आपके सम्मुख आने पाए मेरे परमेश्वर।
खुदावन इसी समय खुदावन तेरे लोगों में प्रभु जी विश्वास हो जाए प्रभु कि आप जिंदा खुदावन है और आपकी दृष्टि आपके लोगों के ऊपर सर्वदा बनी रहती है पिता, और आप सर्वदा प्रभु अपने पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर ग्रहण करते हैं प्रभु जी। कलाम बताता है प्रभु याकूब 5:16 में इस प्रकार लिखा है हालेलुया कि यदि तुम अपने पापों को मान लो एक दूसरे के सामने हालेलुया तो परमेश्वर आपको चंगा करेगा। और बाइबल ऐसा बताती है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया इसी समय खुदावन तेरे लोग अपने सारे पापों से जो आंखों कानों और मुख से जितने भी शारीरिक पाप हैं प्रभु तेरे लोग इसी समय उन पापों से आजाद हो जाएं। पाक पवित्र आत्मा सारे बंधनों को तोड़ दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। तेरे लोग अपने शरीर रूपी मंदिर को प्रभु नाश ना करने पाए खुदा, तेरा आत्मा हर एक में वास करने पाए मेरे परमेश्वर पिता। चंगियाई तेरे लोगों के जीवन का हिस्सा हो जाए प्रभु जी। ओ खुदावन आपका प्रभु जी जो अद्भुत योजना है पिता परमेश्वर, उस योजना के अंदर खुदावन हर एक विश्वास करने वाला और आपके आत्मा के अनुसार चलने वाला प्रभु जी उस योजना के अंदर एंटर करने पाए प्रभु जी, आपके ठहराए हुए दिन और समय के अंदर प्रभु जी। खुदावन जितने लोगों के लिए आपने अलग प्रकार के घरों को देशों को रखा है प्रभु खुदावन, आपकी टाइमिंग के अनुसार आपके समय के अनुसार खुदावन वो उन देशों में एंटर करने पाए मेरे खुदावन। सारे रास्ते खुल जाए प्रभु जी, अंधकार की शक्तियां निष्फल हो जाए, आपका आत्मा प्रबल हो मेरे खुदावन। और इसी समय खुदावन हर एक बच्चों को ब्लेस करें, इनके एग्जाम्स को ब्लेस करें प्रभु जी। खुदावन खुदा बच्चों को आशीषित करें प्रभु जी, और किसी भी प्रकार के अंधकार की शक्ति खुदा बच्चों को छूने ना पाए खुदावन। यूथ को ब्लेस करें प्रभु, अपने लोगों को अपने आराधक होने के लिए आशीषित करें मेरे प्रभु जी। खुदावन ढेर सारे प्रभु जी यंग लोग खुदावन यीशु मसीह आपके नाम को इस धरती के ऊपर ऊंचा करें मेरे प्रभु जी। आराधना स्तुति करें प्रभु, अपने लोगों को तैयार करें मेरे परमेश्वर पिता। और खुदावन मैं विश्वास करती हूँ खुदा, एक बड़ी जाति एक बड़ी भीड़ मेरे परमेश्वर पिता इस धरती के ऊपर खुदावन इकट्ठी हो रही है प्रभु जी, आपका राज्य इस धरती के ऊपर आ रहा है मेरे परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बीमार चंगे हो चुके हैं खुदा तेरे छूने मात्र से, मैं विश्वास करती हूँ खुदावन, आपके लहू की घोषणा करती हूँ प्रभु, जिसके अंदर छुटकारा है, रिहाई है, चंगियाई है प्रभु जी। इस पूरी मीटिंग को खुदा, इस देखने वाले हर एक जन को परमेश्वर पिता आपके ब्लड से कवर करते हैं पिता परमेश्वर, और विश्वास करते हैं प्रभु एक अद्भुत तरीके से खुदा आपके आत्मा ने एक जन को छू लिया है, और आप हर एक के लिए जिस योजना को तैयार कर रहे हैं वहां पर सारी चीजों को पूरा कर रहे हैं प्रभु। और आने वाले समय में प्रभु जी हर एक जन गवाही के साथ लौटने के लिए जा रहा है। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। खुदावन आप सबों को ब्लेस करें, और मेरा विश्वास है इस मीटिंग को आप सदा याद रखेंगे और गवाही देंगे एक दिन कि सचमुच खुदा ने मुझे उस स्थान पर पहुंचाया जो खुदा ने मेरे लिए तैयार किया था। आमीन हालेलुया। और इस पृथ्वी पर ही नहीं हालेलुया, परमेश्वर स्वर्ग के अंदर भी हमारे लिए जिन स्थानों को तैयार कर रहे हैं वहां पर भी हम परमेश्वर जब हमें लेने आएंगे तो हम जरूर से जरूर उन स्थानों में भी जाएंगे जो हमारे लिए तैयार हो रहे हैं। आमीन। लेकिन उन स्थानों में भी वही जाएगा जो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलेगा। गॉड ब्लेस यू चर्च, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।